Hello friends, Namaste and welcome to Sameer D'Souza Prop Equity. And I am Sameer, your real estate friend, your real estate philosopher and your real estate guide. Property investment आपकी life का सबसे अहम decision होता है, चाहे वो real estate investment point of view से हो या आपके रहने के point of view से हो. उस property का सही चुनाव करने के लिए आपको आज से सिर्फ तीन शब्द याद रखने हैं, मैं हूं ना. आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबके लिए, इंडियंस के लिए स्पेशली, बहुत क्लोज टू देयर हार्ट है, और वो है प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना. पूरी इंडिया, चाहे वो टियर टू सिटीज में हो या टियर वन सिटीज में हो, वो सिर्फ प्लॉट्स में सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहती है. और उसके तीन स्पेशल कारण हैं. एक, कि सबको लगता है कि प्लॉट्स सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन देते हैं, सबसे ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन प्लॉट्स में ही होती है. दूसरा, कि इस प्लॉट एसेट क्लास में लोग कैश भी लगा सकते हैं, और सबके पास कहीं ना कहीं कैश पड़ा होता है मोस्टली, और वो कैश उनको कोई रिटर्न नहीं दे रहा होता, और उसकी वजह से प्लॉट्स में सबसे ज़्यादा कैश खप जाता है. और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इंडियंस का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है प्लॉट्स के साथ, जहाँ पे वो अपना घर बना सकते हैं, जहाँ पे उनको अपनी ही ज़मीन चाहिए होती है और अपनी ही छत चाहिए होती है, और उसको उससे ज़्यादा कंफर्ट किसी चीज़ से नहीं मिलता. पर मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ये अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना होगा. और बहुत लोग अपने इस इम्पॉर्टेंट डिसीजन के बाद बहुत कैजुअल हो जाते हैं. जब वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और वो उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं, उनको लगता है बस काम हो गया, अब सो जाएं, और 10 साल के बाद ये प्रॉपर्टी जो उन्होंने 10 लाख की खरीदी थी वो 1 करोड़ की हो जाएगी. तो चाहे वो उसमें अपना घर बनाए या वो उसको बेच दें, दोनों में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा. पर बहुत सारे लोगों के साथ ये नहीं हो पाता. और इस पे एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर बनी थी 2006-2007 में, उसका नाम था खोसला का घोसला. मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस करूँगा कि वो पिक्चर आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज भी 15 सालों के बाद ये घटनाएं जो उस पिक्चर में हुई थी आज भी हो रही हैं, और कोई उसका सलूशन नहीं है सिवाय आपको अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन देखना. सो चलिए आते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है प्लॉट पे खरीदने के लिए, और कैसे आप उसका बचाव कर सकते हैं जो आपको कोई नहीं बताता. जैसे कि मैं कह रहा था कि जब आप प्लॉट खरीदते हैं, चाहे वो डेवलपर से या रीसेल में सोसाइटी के अंदर, आपको लगता है कि आपने उसकी कन्वेंस डीड करा ली, रजिस्ट्री करा ली, तो आपका काम खत्म हो गया. बट इंडिया में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि इंडिया का लीगल सिस्टम एक तो बहुत ज़्यादा स्लो है, और दूसरा कि पोजेशन को 9 पॉइंट्स ऑफ द लॉ माना जाता है. तो कल को अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी और ने कब्जा कर ली या उस प्रॉपर्टी को फ्रॉड करके बेच दी और उस प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा कर लिया, तो आपके पास एक ही ऑल्टरनेटिव रह जाता है कि आप कोर्ट जाए. और कोर्ट में आपको एक ही चीज़ मिलती है अगले 10 साल से 15 साल तक, तारीख पे तारीख पे तारीख, और कुछ नहीं मिलता. तो उसके लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी को बचाव करने के लिए 2-3 स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी में बाउंड्री वॉल बनानी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपना ही गार्ड बिठा के रखें, स्पेशली जब आप उस टाउन में नहीं हैं या उस सिटी में नहीं रहते जहाँ पे आपने प्लॉट खरीदा है, क्योंकि आप हर हफ्ते तो वहाँ जा नहीं सकते. और अगर आपने प्रॉपर्टी उसी शहर में खरीदी है जिस शहर में आप रहते हैं, तो प्लीज़ आप उस प्रॉपर्टी को एटलीस्ट वंस अ मंथ जाके विज़िट करिए, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का अगर किसी ने कब्ज़ा कर लिया तो क्या मिलेगा उसको, उसके पास पोजेशन भी होगी और उसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, और आप क्या कर रहे होंगे, आप सिर्फ कोर्ट के चक्कर लगा रहे होंगे. और उसको बचाव करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर लेते हैं, जो कि है एक गार्ड रखना,
ताकि आपकी पोजेशन आपके पास रहे थ्रू दैट गार्ड, वो आपको बहुत डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर सकती है। अब टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा इनोवेट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है कि आप एक कैमरा भी लगा सकते हैं, इंटरनेट कैमरा, और अपने घर से अपनी प्रॉपर्टी को रेगुलरली देख सकते हैं, उसकी सर्वेलेंस कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि आपका गार्ड वहाँ पर रह रहा है कि नहीं रह रहा। तो जो आपकी प्रॉपर्टी है जो करोड़ों रुपए अप्रिशिएट करने वाली है, वो अगर आप ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो आप कभी भी उस प्रॉपर्टी को लूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जितनी आपने जमा पूंजी उसमें लगाई है और जो आपके रिटायर होने के सपने थे या जो आपके सपने थे कि आप वहाँ पे अपना आलीशान घर बनाएंगे और ज़िंदगी भर अपनी रिटायर्ड लाइफ रहेंगे या एक्टिव लाइफ रहेंगे, वो सब सपने चूर चूर हो सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको प्लीज़ ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि 2024 में भी रेरा के आने के बावजूद ये सब चीज़ें आज भी उतनी ही बुरी हैं इस कंट्री में। अगर आप अगर एक लीगल फसले में फंस जाते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है, बहुत डिस्ट्रेसिंग हो सकती है, और खुदा ना खास्ता अगर आपने लोन भी लिया हो उस प्रॉपर्टी पे, तो बैंक आपको नहीं छोड़ेगा, वो आप ही से EMI लेगा, चाहे आपकी प्रॉपर्टी में कुछ गलत हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो आप ही को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि आपको प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन पूरी तरीके से करनी चाहिए। दूसरी एक मैं बहुत अहम बात बताता हूँ, चलिए आपने अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया, उसके बाद आपको कोर्ट जाना पड़ गया, और आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट्स में 77 लाख केस सिर्फ प्रॉपर्टी मैटर्स पे चल रहे हैं, 2 लाख करोड़ प्रॉपर्टी की वैल्यू आज की डेट में कोर्ट्स में पड़ी हुई है, और आपको कोर्ट्स में कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए और प्रूव करने के लिए कि आपने ये राइटफुली ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, और उसके बाद आपको राइट लॉयर भी चूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम चुनाव करने में राइट लॉयर का और रॉन्ग लॉयर का उसमें बहुत गलतियां खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एक्सपर्टीज नहीं होती। और 30 साल के रियल एस्टेट एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने कम से कम 40-50 लॉयर्स के साथ डील किया है, और लॉयर्स की क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। एंड में आपको खुद का लॉयर बनना पड़ेगा अगर आपको केस जीतना पड़ जाता है, आपको जीतना पड़े, और उसके लिए आप में एक्सपर्टीज शायद ना हो। इंडिया में प्लॉट्स पे कब्जा करना बहुत आम बात है, प्रॉपर्टी के फर्जी पेपर बनाना बहुत आम बात है, और आपकी प्रॉपर्टी किसी और ने बेच दी फॉल्स पेपर्स के साथ, तो आप लगे रह जाएंगे ज़िंदगी भर अपने पैसे रिकवर करते करते और प्रूव करते करते कि आपका प्लॉट था, और आप किससे पैसे रिकवर करेंगे? जो भाग गया प्रॉपर्टी के पैसे लेके, प्लॉट तो आपका था, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी थी उसको प्रोटेक्ट करने की, जैसे कि आप और अपना गोल्ड प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तालों में रखते हैं, अपना पैसा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वैसे ही बहुत ज़रूरी है कि आप अपना प्लॉट इक्वली प्रोटेक्ट करके रखें। और ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो आप एक गार्ड में लगाएंगे, जो आप एक अपार्टमेंट खरीद के मेंटेनेंस कॉस्ट में लगाते हैं, वो आपको लगानी ही पड़ेगी। ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे आप इंश्योरेंस खरीदते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं कि कुछ खुदा ना खास्ता बुरा हो जाए तो वो मेडिकल इंश्योरेंस आपको पैसे रिकवर करने में हेल्प कर दे, और इतने ज़्यादा पैसे जो आपको ऑपरेशन में देने पड़ जाएंगे वो आपको कोई और पे कर दे। उसी तरह से आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो आपने उस प्लॉट में लगाई है, वो एक छोटी सी इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप करते हैं, वो आपको ज़िंदगी भर आई वुड से सेफ कंफर्टेबल स्लीप दे सकती है, जो आपकी हमेशा के लिए बिगड़ सकती है अगर किसी और ने उस प्लॉट पे आपका कब्जा कर लिया, या अगर उस डेवलपर ने, अगर आपने राइट पेपर वर्क ना पढ़ा हुआ हो और राइट आपको पता ना हो आप कौन सी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ज़िंदगी भर के लिए आपको स्लीपलेस नाइट गारंटीड है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी लगती है, तो मैंने आपको पहले इस वीडियो में कहा था कि मैं हूं ना, हमारी कंपनी के पास 500 लोग हैं और हम 100 सिटीज में प्रेजेंट हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप propequity.in पे लॉगिन करिए, और जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे आपके लिए। दिस इज समीर साइनिंग ऑफ, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस कॉन्टेंट। वी विल कीप ऑन कमिंग आउट विद मोर वीडियोज़।
to educate you, provide you the right information, and help you take the best possible decisions in real estate. Thank you.